नमस्कार किसान भाइयों। तो आज मेरी जो ये ब्लॉग है तो ये मैं अपने किसान भाइयों को लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाई फिर ये एक मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी में एक छोटा सा कैंप लगा है आधुनिक खेती के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों की हमारे जो खेती है वो पुराने ढंग से की जाती है, तो जो आधुनिक खेती है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। और ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नौनी। तो गाइस आप मेरी वीडियो में बने रहो और जुड़े रहो किसान भाइयों, क्योंकि आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। पिछले दो दशक से हम इसमें फर्टिलाइजर में रिसर्च का काम कर रहे हैं। हमारे कई अच्छे फॉर्मुलेशन या न्यूट्रिएंट बेस्ड कंपनी है, नोवल केमिस्ट्री यानी कि काइंड केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल या न्यूट्रिएंट हैं, जो कि हार्वेस्टिंग सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक टोटल हम स्पेक्ट्रम फुल स्पेक्ट्रम देते हैं माइक्रोब्स का, फर्टिलाइजर का, न्यूट्रिएंट्स का। जिससे कि क्या जैसे आजकल कुछ 21st सेंचुरी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लैंड जो है अनप्रोडक्टिव होगी, उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, कम हो रहे हैं, लैंड कम हो रही है, बंट रही है, फार्मर को उपज नहीं मिल रही है। तो उपज बढ़ाने के लिए, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, और साथ में जैसे टेम्परेचर है, वेरिएशन बहुत आ रहा है, वातावरणीय तनाव बहुत आ जाता है। इस बार मार्च में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया। उस तरह की कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ बहुत अच्छे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये है हमारा, ये कंटेन करता है फंगल है, साथ में एंडोफाइट्स हैं, माइक्रोब्स हैं इसमें। तो जैसे उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, यदि हम इसको डालते हैं, ये मतलब खेत में डालेंगे, तीन किलो प्रति एकड़ की इसकी डोज है, इससे क्या उपजाऊ शक्ति बनती जाएगी, उपजाऊ शक्ति बनेगी और साथ के साथ पौधा डेवलप अच्छा करेगा, ग्रोथ अच्छा करेगा और फल फ्रूट तक ये असर रखेगा। जो भी आने वाले स्ट्रेसेस हैं उनको एड्रेस करेगा, न्यूट्रिएंट जितने भी जमीन में पड़े हैं उनको उपजाऊ शक्ति को उसको अपटेक करने में सहायता करती है। ऐसे है कि एक लाफ मिनिमम होता है जी, हमें किसान को नहीं पता चलता है कि फसल में क्या कम है जी, कि नाइट्रोजन की कमी है या बोरन की कमी है या सल्फर की कमी है। वो एक डालेंगे तो दूसरे की यदि कमी होगी तो प्रोडक्शन लॉस होगी। तो ये जो ट्रैक्शोर है इसको, ये सारे के सारे तत्व एक बार में चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी शुरुआत में ही डालना है इसको, मतलब खेत के जोतने से पहले, मतलब नहीं, खेत के जोतने के समय या जैसे पहले पानी लगाता, फर्स्ट इरिगेशन देते हैं स्टार्टिंग में, तब देते हैं। जो जैसे धान है, गेहूं है, कॉटन है, उनमें 3 किलो की डोज है जी। सब्जियों में, अलग अलग सब्जियों की 3 से 6 किलो की डोज रहती है। गन्ने में हमारे मुख्य रहता है जी, यहाँ पर लहसुन रहता है, टमाटर रहता है, शिमला मिर्च रहता है, मतलब उसके हिसाब से ये लहसुन के लिए जैसे 6 kg का है, मिर्च के लिए 6 kg का है जी। और एक्टिन और प्लस ट्रैक्शोर की जैसे हम दोनों की जोड़ी की बात करते हैं तो ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं और साथ में साथ टोटल न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जी। तो ये ट्रैक्शोर है जी, ये ऑर्गेनिकली चिलेटेड है, कार्बन है इसमें, साथ में 10 माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लस सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, यानी कि नौ तत्व ये हो गए, 10वां कार्बन हाइड्रोलाइज प्रोटीन के साथ फुल स्पेक। किसान का आगे कस्टमर है जी, वो चाहता है कि हमें सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, कि टमाटर हो उसमें कोई रेजिड्यू ना हो जी, मिर्च हो, एप्पल हो उसमें कोई रेजिड्यू ना हो। तो ये उस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये
इसके प्राइस बड़े कॉस्टली या कुछ मतलब नहीं, ये फुल फार्मर की रेंज में ही है। हाँ जी, हाँ जी, फार्मर की रेंज में है। और दूसरा इससे जैसे हमने एक्टिन ट्रैक शोर की बात की या हम एक प्रो राइस क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाते हैं प्रो राइस का, उसमें क्या है शुरू से लेके यानी कि बिजाई से लेके अंत तक हम थ्रू बैलेंस फर्टिलाइजर बैलेंस न्यूट्रिशन बायो फर्टिलाइजर्स हैं या वाटर सोल्यूबल्स हैं उनका कम्बिनेशन देते हैं, जिससे कि क्या है खर्च कम होगा, फार्मर का खर्च कम होगा, बीमारियां कम आएंगी और यील्ड जो है एनहांस करती है उसमें ये, और क्वालिटी जो है सुपीरियर आती है आपको। हाँ चलो वो तो निकल है। फिर हमने बात की थी उसकी कि आजकल पेस्ट अटैक भी बहुत हो रहा है या स्ट्रेस आ जाता है, मार्च में गर्मी हो गई जी जी, या ड्रॉट कंडीशंस आ जाती हैं उस समय क्या है वातावरणीय तनाव आ जाता है जी जी, या कई बार होता है कि सुबह तो बहुत गर्मी होगी शाम को बहुत ठंड होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह के या बहुत सारा पानी हो गया वर्षा होगी अब हाँ जी, हाँ जी। उस समय नीचे से अपटेक नहीं हो रहा न्यूट्रेंट अपटेक नहीं हो रहा है तो उसको करने के लिए उस तरह के तनाव को बचाने के लिए या पेस्ट के जैसे तो, मतलब खेत में ज्यादा बारिश से पानी लग जाता पानी है, लग जाता फसल है बर्बाद हो जाता हाँ है। फसल बर्बाद हाँ। हो रही है तो प्रिकॉशनरी हम इस ये डोरमोलिन है जी जी। तो इस तरह के तनाव को ये इस तरह के तनाव को कम करता है और इसमें न्यूट्रेंट है जी जी, जो न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड है वो इसके डोरमोलिन के थ्रू जा रहे हैं। ये डोरमोलिन 2 है यानी कि ये फ्लावरिंग रेट के समय जब फ्लावरिंग आ जाते हैं फ्रूटिंग आ जाती है उस समय करना है, इसका 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर की डोज है जी जी। और इसमें डोरमोलिन 1 आता है कि जब वेजिटेटिव स्टेज है उस समय के लिए अपने कर सकते यानी कि उसको उस समय करना है। तो डोरमोलिन की जैसे स्प्रे होती है इससे क्या है यदि प्रिकॉशनरी या हम इसके 2-3 स्प्रे कर जाते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू या जो फंगस अटैक है ये पेस्ट से होने वाले बायोटिक स्ट्रेस भी है उसको भी ये एड्रेस करता है, पौधे में टॉलरेंस पैदा करता है इनके अगेंस्ट में बीमारियों के अगेंस्ट में जी जी। तो ये भी सेफ केमिस्ट्री का इसका रेजिड्यू फ्लेक्स है, ये कार्बन असिमिलेशन को इंक्रीज करता है या जैसे फोटोसिंथेसिस है उस तरह के प्रोसेस होता है तो ये उस समय हेल्पफुल करता है स्ट्रेस को, ये भी स्ट्रेस को रिलीज करता है। इसकी 1 ml पर लीटर वाटर की डोज है। आज हम यहाँ पे जैसे कॉटन में है यहाँ नहीं, हम पूरे क्योंकि पैन इंडिया काम कर रहे हैं, कॉटन में सिरसा साइड हुआ या इधर राजस्थान हुआ ड्रॉट ये नागार्जुना जो फर्टिस की हम टोटल ओवरऑल बात कर रहे हैं जी जी, ये नागार्जुना ग्रुप है, नागार्जुना ग्रुप की ही कंपनी है और पिछले 2 दशक से फर्टिलाइजर रिसर्च में काम कर रहे हैं। चलो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सेम हियर जी। ठीक है जी, ठीक है, मैं कोई बात नहीं मिलता जी साथ में निकलिए आपको हमारे गाइड करेंगे। प्रभाकर शर्मा, और जो ये सीबीए टेस्ट की डिफरेंट फॉर्मुलेशन है अगर हम सॉइल एप्लीकेशन के लिए बात करें अगर ड्रेंचिंग के लिए बात करें तो हमारा प्रोडक्ट आता है सीलवा जी जी, ठीक है, इसको हम 2 ग्राम पर लीटर वाटर में ड्रेंचिंग कर सकते हैं जिससे क्या होगा जैसे ये देखेंगे आप ये व्हाइट रूट्स को इंक्रीज करता है जो फीडिंग रूट्स हैं उनको इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा DSW, तो जो DSW है ये ग्रेनिंग के लिए बहुत बेस्ट काम करता है, ग्रेनिंग अच्छी होगी जी, ग्रेनिंग अच्छी होगी तो फिर फ्लावरिंग अच्छी होती है फ्रूटिंग अच्छी होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारा आता है दमन प्लस क्या काम करता है जो फ्लावर ड्रूप होता है उसको रोकता है ड्रूपिंग से। उसके बाद OQ10 हमारा आता है, OQ10 हमारे फ्रूट्स के साइज को इंक्रीज करता है और साइनिंग इंक्रीज करता है जी। ये सीवीड की डिफरेंट फॉर्मुलेशन है और उनको डिफरेंट टाइम है। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दोनों के लिए देखो फ्लावरिंग होती है फ्रूटिंग भी होती है ठीक है, उसकी साइनिंग भी हमें चाहिए होती है, बेटर क्वालिटी भी उसकी चाहिए होती है और वो सारी चीजें होती हैं मेन रूट्स है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो हमारी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी ड्रूपिंग भी कम होगी और
फ्रूट की साइज और साइनिंग भी अच्छी होगी, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा। ये पेंसिवो वांग प्राइवेट लिमिटेड के ऑलमोस्ट जो सीवीज बेस्ड प्रोडक्ट है उनके बारे में, तो आप देख सकते हैं कितनी माइक्रो ही है, मतलब बहुत कम डोजेज पे इसको बहुत। किसान भाइयों, तो जैसा आपको अभी हमने दिखाया, काफ़ी अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन मिले आपको, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन थे गाइस वहाँ पे। तो उनका कहना एक ही थी, उनकी एक कॉमन बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनका कहना था कि हमारे जो खेत है वो अनबैलेंस हो चुके हैं गाइस, जिसमें हम एक तो नॉलेज नहीं है, हमें इतना नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो। मेरा ब्लॉग जितना भी है अपने किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाने का मकसद है, तो आप भी जैसे साइंस से जुड़े प्रोडक्ट है तो आप उनको यूज भी करो गाइस, पर मेरा कहने का मतलब है कि रासायनिक चीज़ों को आप कम करो और गोबर खाद इत्यादि का आप ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे उपजाऊ शक्ति बनी रहती है खेतों में। किसान भाइयों की जैसा हम पहले देखते थे जब हमारी साइंस भी इतनी तरक्की नहीं कर पाई थी, तो जब हमारे किसान थे वो खेतों में गोंच गोबर इत्यादि का प्रयोग करते थे, तो आज हमारा जैसे जैसे हमने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, उस तरह से किसान भाई अपने खेतों में भी रासायनिक चीज़ें का इस्तेमाल करने लगे। तो किसान भाइयों की हमारे अभी डेमोन्स्ट्रेशन में काफ़ी अच्छे मुझे लोग मिले वहाँ पे, काफ़ी अच्छे मतलब उन्होंने समझाया और काफ़ी अच्छी तरह से आपको अवगत कराया किसान भाइयों। तो उनका कहना एक ही था, उनकी कॉमन बात एक ही थी कि खेतों की उपजाऊ शक्ति बिगड़ चुकी है, अनबैलेंस खेत हो चुके हैं हमारे, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि जैसे हम डाल देते हैं 12-32-16 यूरिया, तो हम उन्हीं खादों का यूज़ करते रहते हैं, जिससे हमारे खेत में उपजाऊ शक्तियाँ इस टाइम ख़त्म हो चुकी है। तो उनसे बचने के लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट थे उनके, तो आपने अगर उनके प्रोडक्ट अच्छे लगे तो ज़रूर यूज़ करना, और नहीं तो आप नॉन यूनिवर्सिटी आएँ, अपना खेत का एक बार मिट्टी चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि उसमें कौन से पोषक तत्व ख़त्म हो चुके हैं गाइस, तो आप उन्हीं पोषक तत्व का इस्तेमाल कीजिए अपने खेतों में, ज़रूरी नहीं है कि आप भेड़ चाल को ही लेके चले। और अपने किसान भाई जितना आप एजुकेटेड होंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट आप दुकान में लेने जाते हैं गाइस, तो वहाँ पे उनसे ज़रूर पूछा करो कि ये प्रोडक्ट किस काम आता है और किस तरह से ये काम करता है, क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या इसमें कि कौन से तत्व इसमें जो हमारे खेतों को या फसलों को अच्छा बनाएंगे। तो आपको जितना जानकारी आप पूछ के करेंगे तो आपको उतना समझ भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। देखो आपको डेमोन्स्ट्रेशन की मतलब बारी आ गई है, अब हम ड्रोन उड़ाएंगे और अपने भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो देखो किस तरह से आपको डेमो मिलता है इसका ड्रोन का।
डालो दस साइड में इसको एलर्ट नहीं करना देखा आपको अभी हमने डेमोस्ट्रेशन दिखाया ड्रोन का और ये किस तरह से उड़ा है मतलब काफी अच्छी तरीके से। बाकी आप मेरे को लगता है कि जब ये ड्रोन उड़ाएंगे तो आपको ये काफी हाइट में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हवा का मतलब काफी प्रेशर है जिससे हमारी फसलों का शायद मेरे को लगता है कि फ्लावरिंग अगर किसी फसल में आ रही होगी तो शायद वो हवा से भी गिर सकती है। तो इसको उड़ाने का स्टाइल है तो गाइस इसको काफी ऊंचाई में थोड़ा उड़ाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपको कैसा लगा डेमोस्ट्रेशन तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट पे। और जिंदगी जिंदाबाद और लेक्स सब्सक्राइब करें अल्टीमेट ब्रो योर मैन।